नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विशेष अकेडमी। दोस्तों, हमारा आज का जो वीडियो है मोबाइल पे आधारित है। मोबाइल यानी कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि मोबाइल के इंटरनल स्टोरेज किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, यदि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे द्वारा कंप्यूटर एवं ऑनलाइन एवं कंप्यूटर की ट्रिक एवं टिप्स से संबंधित जो भी जानकारी है वो आप तक सीधे पहुंच सके। तो चलिए, यहाँ पे मैं आज आपको बता रहा हूँ मोबाइल में। दोस्तों, हर स्मार्टफोन में ड्राइव का एक ऐप रहता है, एप्लीकेशन रहता है, जिसको हम गूगल ड्राइव के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, गूगल हो गया, जीमेल हो गया, मैप हो गया और गूगल ड्राइव हो गया। ये जितने भी ऐप बता रहे हैं ये सब गूगल से संबंधित ऐप हैं। और इसमें आपको ये जो ड्राइव वाला ऑप्शन रहता है, इस ड्राइव ऑप्शन के माध्यम से आप अपने मोबाइल की इंटरनल स्टोरेज बढ़ा सकते हैं। सपोज़ मैं आपको बता रहा हूँ, यदि अगर आपका स्मार्टफोन यदि अगर 8 GB इंटरनल स्टोरेज है, तो आप अपने मोबाइल में जो है अपनी जीमेल आईडी क्रिएट करके अपने मोबाइल की इंटरनल स्टोरेज 8+15 GB कर सकते हैं। यानी कि गूगल ड्राइव के माध्यम से जो है गूगल आपके मोबाइल में 15 GB इंटरनल स्टोरेज देता है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे गूगल ड्राइव का ऑप्शन ओपन हुआ, जैसे कि रिसेंट हो गया, ऑफलाइन हो गया, डस्टबिन हो गया, उसके बाद नोटिफिकेशन हो गया, बैकअप हो गया, सेटिंग हो गया और स्टोरेज हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं सेटिंग पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1.6 GB इंटरनल स्टोरेज मेरी भरी हुई है और टोटल जो स्पेसेस रहता है वह 15 GB का रहता है। यानी गूगल ड्राइव के माध्यम से आपके मोबाइल पे 15 GB की स्टोरेज क्षमता रहती है और उस ड्राइव में जो है आप अपना पूरा का पूरा रिकॉर्ड, डाटा, इमेज वगैरह, वीडियोज़ वगैरह या अन्य चीज़ें भी स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं अपने मोबाइल की गूगल ड्राइव में कंप्यूटर ज्ञान की बुक स्टोर करके रखा हुआ हूँ, फ्री फायर का डाटा रखा हुआ हूँ, पबजी मोबाइल का डाटा रखा हुआ हूँ, ग्रेना फ्री फायर का डाटा रखा हुआ हूँ, यहाँ पे मैं मैप रखा हुआ हूँ और फाइल व्यूअर रखा हुआ हूँ। आप देख रहे हैं ढेर सारा रिकॉर्ड में जो है PDF फाइल के नाम से जो है या बुक्स के नाम से जो है पूरा का पूरा रिकॉर्ड, जैसे कंप्यूटर ज्ञान की जो बुक्स है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं कंप्यूटर ज्ञान की जो बुक है वह ओपन कर रहा हूँ, यानी कि कंप्यूटर की जितने भी कंप्यूटर से संबंधित जो भी थ्योरी है यहाँ पे आप देख रहे हैं 13/145, यानी कि मैं यहाँ पे अपने गूगल ड्राइव में जो है 145 पेज की पूरी किताब जो है स्टोर करके रखा हुआ हूँ। तो आप भी अपने मोबाइल में गूगल ड्राइव के माध्यम से जो है, या आप जो है गूगल ड्राइव में अपनी पूरी की पूरी जो है हिस्ट्री भी स्टोर करके रख सकते हैं। यानी कि मैं आपको बता दूं, यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने मोबाइल, जैसे कि आप कुछ भी चीज़ अपने गैलरी ऑप्शन में या डाउनलोड ऑप्शन में जैसे स्टोर करके रखते हैं, तो आपकी जो इंटरनल स्टोरेज रहती है वह कम हो जाती है और आपका मोबाइल हैंग होना चालू हो जाता है। उसके लिए यदि अगर आपका कोई लंबा रिकॉर्ड रहता है या ज़्यादा डाटा रहता है, तो उस डाटा को, उस रिकॉर्ड को जो है अपने मोबाइल के गैलरी ऑप्शन से या डाउनलोड ऑप्शन से, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, सपोज़ जैसे कि यहाँ पे गैलरी ऑप्शन में आपको ओपन करके दे रहा हूँ। गैलरी में जैसे कि कुछ भी चीज़ रहती हैं या डाउनलोड ऑप्शन में आप देख रहे हैं कुछ भी चीज़ रहती है, जैसे मैंने यहाँ पर जो है अपना फ़ाइल मैनेजर ओपन किया और फाइल मैनेजर से कुछ रिकॉर्ड जो है ड्राइव पर डाल रहा हूँ, तो आप किस तरीके, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं डाउनलोड ऑप्शन में ढेर सारे डाउनलोड रहते हैं, जैसे यहाँ पे फ्री फायर का ये रहता है, तो ये फ्री फायर लैग फिक्स आफ्टर ये जो है रिकॉर्ड जो है तो मैं डाउनलोड करके रखा हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं इमेज हो गई वायर टू JPG, इसको जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद सेंड ऑप्शन पे जाऊँगा, जैसे ही सेंड ऑप्शन पे जाता हूँ तो यहाँ पे सेंड में ढेर सारे ऑप्शन रहते हैं, उनमें से सेव टू ड्राइव वाला ऑप्शन भी रहता है। आप जैसे ही सेव टू ड्राइव में क्लिक करेंगे तो वह आपका इमेज या आपका जो डाटा रहता है वह गूगल ड्राइव में जाकर के सेव जाता है। यहाँ पे आप जैसे ही सेव करेंगे तो आपका जो रिकॉर्ड है या आपकी जो फाइल है या आपकी जो इमेज है आपके ड्राइव में जाकर के सेव होना चालू हो जाती है। तो इस तरीके से जो है आप अपने मोबाइल की इंटरनल स्टोरेज जितनी भी है उसको पूरी तरह खाली कर सकते हैं। आप यहाँ पर आकर के अपने ड्राइव में कुछ भी चीज़
स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं अपने माई ड्राइव में एग्ज़ाम पेपर या अदर फोल्डर बना के रखा हुआ हूँ, या आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं वीडियो तैयार करके रखा हुआ हूँ। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल के इंटरनल स्टोरेज बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।